हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मौज ले रहे होंगे घर में। तो आज हम जिन प्राणियों की बात करने वाले हैं वो दिखते तो हमारी तरह ही हैं, खाना पीना और घूमना फूना भी हमारी तरह ही करते हैं, लेकिन 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 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उनकी जो सोच और जो करते हैं वो कोई आम आदमी करने की सोच भी नहीं सकता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कई लोग ऐसे मुझे मिल जाते हैं जिनको कभी आप मतलब आप क्या मैं भी इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इतनी महाछूतियापंती वाले कंटेंट देते हैं ना कि तुम रुक कर उनको कुछ अच्छे बोल बोल ही देते हो। अच्छे बोल समझ रहे होंगे किस बोल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बोल मैं बोल भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे बोल उनकी कमेंट सेक्शन में भरे पड़े होते हैं, तो आप उनको वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, वरना बाकी तो आप समझदार और समझ गए होंगे। लगता है कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं और जो लोग उनको गाली दे रहे हैं, वो गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उनको हेट करते हैं। भाई हेट कर नहीं रहे, तुम कंटेंट ही ऐसा बना रहे हो उनके लिए कि आओ तुम मुझे गाली दो, मजबूर कर रहे हो तुम लोगों के कि तुम गाली खाने ही के लिए कंटेंट बना रहे हो। तो ज्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं अभी आपको सीधे वीडियो दिखाता हूँ, वरना मेरे को गाली दे दो। चलो चलो भाई देखो अपने। तो ये भाई सही कह रहा है, बॉडी बनाना कोई आम बात नहीं है, कोई बना भी नहीं सकता, ठीक है। और जो ये लोग दिख रहे हैं इन पे भी आज तक बॉडी नहीं बनी। भाई ने बहुत मेहनत करी बॉडी बनाने, भाइयों का सपना होता है कि वो आगे जाकर कोई पुलिस वाला बने, कोई यूट्यूबर बने, कोई कुछ बने, कोई कुछ बने, लेकिन इस भाई ने क्या किया, इसने अपना जेंडर चेंज करके खुद लड़की बन गया। तो प्रेजेंटिंग है आपके सामने पापा की परी के बाद पापा का परा। वीडियो को देखने के बाद मेरा मन करता है कि मैं भी अपना इंस्टाग्राम उड़ा दूं। यही उम्र है मेरे भाई, प्यार कर पर पैसे से। ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया मैं, तो आप भी समझ जाओ। पर इस भाई की शक्ल देख के मुझे लगता है कि इसको भाई देखो पहले से ही पता थी ना मेरी शक्ल और ना मेरी ऐसी हरकतें हैं जो मेरे को लड़की मिले। तो इस भाई ने क्या किया कि चलो ठीक है पैसा कमाने पे फोकस करते हैं। पर भाई साहब पैसा कमाओगे कहाँ से तुम? अगर पैसा कमा भी लिया तो लड़की कहाँ से लाओगे? लड़की मुझे तो लगता नहीं कि इनके पास लड़की आ जाएगी। Emotional damage. तो आप लोग सभी उर्फी जावेद को जानते होंगे, हर कोई जानता हुआ है आजकल क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं हमेशा, कई अपने कई टॉपिक्स की वजह से आप उनको जानते होंगे। लेकिन लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ उर्फी जावेद के बाद उर्फी अंकल। उर्फी अंकल देखो वीडियो। लोगों का डांस का पैशन होता है, ठीक है मैं मानता हूँ ठीक है तुम अच्छा डांस करते हो, लेकिन कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत है? उर्फी जावेद क्यों बनने हो भाई, अब बिना कपड़े पहन के प्रॉपर ऐसे भी तो डांस कर सकते हो। मेरे पे तो नहीं आता लेकिन आप तो कर सकते हो। पर नहीं, हमको फेमस होने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कपड़े फाड़ के अपना लो फाड़ भी तो क्या गया, लोअर फाड़ते अंकल, जीन्स पर फाड़ लेते कम से कम। और यहाँ क्या बात आए अजीब सा, अरे यार अंकल तुम रहने दिया करो, तुम भी ऐसा काम करोगे कैसे बालक खुश ना कर पा रहेगा तुम्हें? अरे बालकन पे फोकस कर लो तुम यार, अब क्या बोलो इन अंकल को। इनके अगर बच्चों ने ये वीडियो देख ली तो वो क्या सोचेंगे, हमारा बाप क्या करता है, उर्फी जावेद बनने की कोशिश करता है? अरे यार थोड़ी तो शर्म कर लो भाई, इंस्टाग्राम पे तुम क्या डाल लो क्या नहीं, तुम्हारे भी बाल अच्छे होंगे, क्या होता जा रहा है। चलो ठीक है यंग जनरेशन ऐसा करती है, अरे यार ओल्ड जनरेशन को भी क्या होगा आजकल, तुम्हारे सामने ये भाई है, चलो आगे देखते हैं। अभी तो आपको ये तो पता होगी कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है, तो आप कहीं की भी नॉलेज कहीं भी ले सकते हो, इंडिया में बैठे बैठे विदेश घूम सकते हो। तो उसी तरह एक इंस्टाग्राम में ही कनेक्ट रहता है कि आपकी अगर विदेश की कोई वीडियो है तो वो इंडिया में चल जाती है, तो उसी में कुछ ट्रेंड्स आते हैं जो विदेशों में चलते हैं, तो विदेशों को देख देख के इंडिया वाले करने भी लग जाते हैं। तो ये वीडियो देखो पहले आप। ये वीडियो देख के आपको क्या लगा, पहले तो ये सोचो कि ये होंगे कौन सी क्लास में, वही थर्ड या फोर्थ, उसमें ये बच्चे ये करने लग रहे हैं। भाई इससे बढ़िया ना पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बड़े हो गए तुम देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये अभी इनका पता क्या है कि ये दूसरे लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी और उन्हीं की कॉपी करने लग जाते हैं, तो तभी तो बोलते हैं कि देश को चलाने के लिए अच्छे क्रिएटर्स का होना भी ज़रूरी होता है, वरना कि कौन किस राह पे जा रहा है ना वो क्रिएटर से ही डिसाइड करते हैं। अब इनको बड़े लोग करते हैं, बड़े लोगों को देख के ये छोटे बच्चे करने लगे, इनकी क्या गलती है, पर इनके ये माँ बाप देखेंगे वो क्या सोचेंगे, बहुत से माँ बाप खुश हो जाएंगे कि हमारे ये लड़के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर सुधारो इन चीज़ों को, अभी बड़े होकर खुद पता चल जाएगा कि अगर तुमको एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग की लाइन में बहुत सारी वो होती हैं, उनमें जाके कर सकते हो आप। भाई साहब
एक चीज़ बताता हूँ, आप इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में शादी चल रही है तुम्हारी बहन की, सुबह का टाइम है 5-6 बजे का और विदाई हो रही है, तो तुम्हारी बहन उस टाइम क्या कर रही होगी, वो अपनी माता के या पापा के सिर पे कंधे पे रख के सो रही होगी, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे? मैं बताता हूँ, मेरी अगर मतलब कोई भी, मैंने जितने अभी देखे कई लड़कों की आंखों में से आंसू आते हैं, कोई रोता नहीं, कोई वैसे उदास सा खड़ा रहता है, लेकिन इस भाई का डांस निकल रहा है, किस खुशी में कि बहन जा रही है। वो इसलिए नहीं डांस कर रहा कि उसकी बहन जा रही है, वो इसलिए कर रहा है कि मैं जल्दी से वीडियो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, फेमस हो जाऊंगा और मेरा दबदबा बन जाएगा, रोला रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। तो भाई हाथ छुड़वाओ ऐसे क्रिएटर्स को भाई, मजा। तो आपको याद होगा कि पहले वेस्टीज नाम की एक कंपनी चलती थी जो बोलती थी कि तुम बस लोगों को ज्वाइन करो, कुछ नहीं करना, तुम्हें घर बैठे तुम्हें करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, तुम्हारे नीचे मर्सिडीज होगी, ये होगा वो होगा। तो उसी को देखते हुए बहुत से लोगों ने बहुत ट्राई किया कि चलो हम भी लोगों को जोड़ेंगे, जब भी लोगों को जोड़ेंगे। तो होता क्या था कि वो सूट पैंट पहन के एकदम टैसिंग ऑटो में जाते थे, मतलब वो कंपनी पागल बनाने वाला काम होता है ना वो, और फौजली पागल बन जाते हैं जब भी कोई आता है। तो पागल बनाने के बाद ये लड़का, जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग सकल देखने के लिए तरसेंगे। तो ये वीडियो आपने देखी, ये 2026 में कुछ ऐसा कर देगा, क्योंकि इसके इसने बोला होगा अपने पापा से कि मुझे साइकिल दिला दो, पापा ने साइकिल दिलाने से मना कर दिया, तो ये बोल रहा है कि 2026 में देखना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा साइकिल के लिए, ठीक है, देख रहे हो। चलो, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पसंद आया तो इसको बढ़ाओ आगे भाई, इंक्रीज करते चलो, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय बाय, जय श्री राम।